ये आप जहाज दे सकते हैं। बहुत ही खौफनाक आवाजें आती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज यार इतवार का दिन है तो बाहर निकले हैं, और सियालकोट में अचानक ही इतनी गर्मी हो गई है। तकरीबन आज दूसरा दिन है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो यार इतनी काफ़ी देर बाद वीडियो आ रही है तो माजरत करता हूँ मैं आप सब दोस्तों से। तो थोड़ी मसरूफियात थी, कुछ दोस्तों की शादी थी तो इसलिए वो मैं आपको दिखा ना सका। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं पूरी, आपको मैं अच्छी सी अच्छी वीडियो बना के दूँगा और इंशाल्लाह। और जरा जो है ना, हम जल्दी ही इंशाल्लाह थोड़ी देर में एक टूर करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे। और थोड़ा सा हम सस्पेंस रखना चाहते हैं इस टूर में, तो फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह जो आप दोस्तों की सपोर्ट की वजह से हमारे 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। तो नहर पर और यहाँ पर बैठ के थोड़ा सारा सुकून मिलता है, तो काफ़ी ठंडा पानी है। और जैसे जैसे गर्मियाँ ज़्यादा होएंगी तो वैसे जो है ना पानी भी साथ साथ जो है ना ठंडा होगा। अब हम जा रहे हैं सेठी प्लाजे और मोबाइल लेने के लिए, तो फिर आपको सीधा मिलते हैं हम मोबाइल शॉप पर और वहां से मोबाइल परचेज़ करते देते हैं कौन सा मोबाइल मिलता है हमें, और कोशिश है टेक्नो का मोबाइल ले रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे टेक्नो कैमन 18 की रिव्यू। और ये वाला मोबाइल जो है ना काफ़ी ख़ूबसूरत है, और इसमें कलर आप कौन सा है ये देखते हैं। इसमें हमें ब्लैक कलर मिलता है, शाइनिंग इसकी बहुत ही ख़ूबसूरत है। इसको ज़रा एक मिनट चेक करें, और ये आप चेक कर सकते हैं। और अब इसमें हम देखते हैं क्या, अगर रैम और मेमोरी की बात करें तो इसमें हमें मिलती है 4 128 GB और 5000 mAh बैटरी के साथ और 26000 प्राइस के साथ बहुत ही। ये मोबाइल की लुक है, और अब ऑन होता है फिर आपको हम दिखाएं। अब इसकी सेटिंग करते हैं, फिर सेटिंग के बाद हम आपको इसको दिखाते हैं। ये आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। और इसमें हमें मिलता है एक पाउच नॉर्मल जो हर एक मोबाइल के साथ होता है, और एक इसका ये वाला अडाप्टर, और इसमें केबल और एंड फ्री है। इसमें केबल और एंड फ्री है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इस टाइम हम पार्क में एंटर हो चुके हैं, ये आप जहाज दे सकते हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, और ये इतने सारे जो फैमिली के साथ आ रहे हैं लोग, और हम चार दोस्त आए हैं। तो ये बयान, शबीर, अहमद कहाँ पे आए, सियालकोट जना पार्क में। ये आप चेक कर सकते हैं, भूतघर है, भूतघर है। इसमें बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आती हैं, और ये कि ये बना हुआ है, ठीक है। बयान साहब ये क्या है, पता नहीं अंदर क्या है इसमें। आप इसमें कभी गए हैं? एक बार गया था, बहुत डरा हुआ उसके बाद। इस टाइम पार्क में आए हैं, माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अब इंशाल्लाह हम झूले भी लेंगे और आपको भी दिखाएंगे, और हम खुद भी इंजॉय करेंगे। तो अहमद साहब इंजॉय कर रहे हो आप? जी जी बिल्कुल, तो ये सब जो है ना ये वाले बच्चों के हैं,
और वो जो है ना वो सामने कश्ती लगी है, और ये वाला झूला आप चेक करें, ये चेक करें यहाँ पे आए बच्चों को गोल गोल घुमा रहे हैं। तो पार्क में आए तो आप झूले ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर हम झूले जब आपको फ्री के मिले तो फिर वो तो ज़रूर लेने चाहिए। तो चलिए झूले लेते हैं। क्या कर रहे हो सैफुल्ला? झूले ले रहे हैं। नहीं आप बचाए? बचे रही है, बच्चों के थोड़ी है। नहीं बच्चों के ही यार, अब तो बड़ा ही ना यार। शबीर आप क्या कर रहे हो यार? फिर भाई आप किधर चढ़े हो ऊपर? ये दोनों को देखो जी। सैफुल्ला भाई मजा आ रहा है कि नहीं? जी माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है, काफी एंजॉय कर रहे हैं हम। तो तकरीबन हम आए थे 3 बजे आए थे, अभी तकरीबन टाइम हुआ जाता है 6 बजे का। तो इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है, वीडियो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी आए हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बच्चे झूले ले रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। तो वो दो हमारे साथ ही बैठे हैं, एक पबजी में मसरूफ है तो एक अपने मोबाइल में मसरूफ है। अहमद भाई, अहमद भाई भी काम, अहमद हाथ हिलाना भाई। कार में हम बैठने लगे हैं और ये अभी हम कार में बैठ गए हैं। तो अब देखते हैं गाड़ी कैसी चल रही है। गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइवर हमारा तैयार खान रूट पे चले तैयार। बहुत मजा आया। अल्लाह, हम सियालकोट कैंट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब हम बर्गर खाने वाले हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बर्गर हैं। कैंट रियान साहब अब बर्गर आएंगे खाएंगे फिर आपको बताएंगे। अल्लाह जनाब बर्गर आ चुके हैं और काफ़ी मज़े के लग रहे हैं, अब खा के फिर आप